टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इस एक्सपेंशन को हम कहेंगे फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज गिवन बाय जस्ट लाइक टू द प्रीवियस केस इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस dx, बट फोर्स इज ऑलरेडी नो p इनटू a इनटू dx, बट a इनटू dx यू नो p इनटू dv। ये बार बार आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। नाउ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन वी नो pv इज इक्वल टू rt nrt, बट वी आर टेकिंग हियर वन मोल सो n इज टेकन वन। क्लियर? nrt इज देयर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस आर टेकन इज वन, सो वी आर टेकिंग हियर वन। This is the, but we can find the value of the pressure here, RT by V. Put this value of P in this equation. We can write here the small change in, this is equal to RT by V into dV. This is the work done in changing the small volume dV. But we want to find out the work done in changing the volume from V1 to V2. Suppose कीजिए इसका पहले जो volume था V1 था और final जो volume है वो V2 है और हम V1 से V2 तक piston को लेके गए हैं, तो what will be the total work done? And to find out the total work done in changing the volume from V1 to V2, we integrate this equation from V1 to V2 and we write here like this. आप देख सकते हैं we are going to RT is constant, temperature is constant, R is gas constant, that is also taken constant. So V1 to V2 1 over V into T. What will be the integration of 1 by V? ये integration आप समझ सकते हैं 1 by X into dx log X, यही होता है, इसको याद रखना है। यहां पर भी वही सिचुएशन है, वन ओवर वी इंटू डी वी, वॉट विल बी द वर्क डन हियर, आर टी लॉग वी, और ये ई बेस है वी वन टू वी टू, ये लिमिट्स हैं। यू कैन ओप फर्स्ट पुट द अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल वी एंड देन माई विद नेगेटिव साइन लोअर लिमिट। So what will be? This will be the total. जब हम इसको integrate कर देंगे तो complete work done, ये small work done था तो ये complete and it will be equal to R T log V2 by V1. देखो पहले आप लिखेंगे, देखिए यहाँ वैसे फिर देखो log V2 upper limit रखिए minus sign के साथ log V1, ये हो गया। एक formula है log m minus log n, क्या होता है log m by n। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस w विल बी इक्वल टू आर टी log v2 by v1, दिस इज द नेचुरल लॉगरिथम। एंड इफ यू वांट थ्री कह दो log v2 by v1, दिस इज द, और आर टी भी है बिल्कुल, ये तो लिखना पड़ेगा आर टी log v2 by v1, this is the formula for the isothermal expansion. And now suppose the gas undergoes the isothermal compression, the volume decreases from v2 to v1, पहले v2 है और उसके बाद v1 हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, तो उसको क्या कहेंगे हम, कंप्रेशन कहेंगे, और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसे कहेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस बाकी सारे तो यही होंगे फॉर, ये देखिए फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन हम कहेंगे ये वाले पॉइंट यहां तक, यहां से आगे तो ये सेम प्रोसेस रहेगा,
यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, बट यहां करके चेंज हो जाएगा, यहां लिमिट्स क्या हो जाएंगी v2 to v1। यहां पर जो वर्गधन आएगा आपका, तो जो टोटल वर्गधन आप निकालेंगे आर टी v2 to v1 और 1 और v इंटू डीवी, और इसका फाइनल जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो यही आएगा, बस जहां v1 था वहां v2 और जहां v2 था वहां v1 हो जाएगा और हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं सिमिलरली वी कैन राइट 2.3026 आर टी log v1 बाई v2। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो क्वेश्चन में भी आस्क्ड कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज विद द प्रेशर, बट टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड हियर, वन मोल गैस इज टेकन हियर। नाउ लेट अस फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में भी हम इसी तरीके से प्रोसेस को यूज करेंगे, ये फार्मूले हमें यूज करने हैं, बहुत आगे भी जो आर्टिकल्स आएंगे उनके अंदर आपको इसको मेमोराइज करना है और इसको ड्राइव करना आना चाहिए। क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये नहीं है कि उसको आप रटें, आप उसको समझे, जब आप किसी भी चीज़ को समझ लेंगे तो उसको अप्लाई कर पाएंगे। चलिए देखते हैं वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। कंसीडर वन मोल गैस इन ए सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन। वन मोल गैस इज टेकन हियर। The whole system is taken here perfectly non-conducting. Heat allowed नहीं है क्योंकि process कैसा है, बिल्कुल। Now gas expands adiabatically. अब increase होगा तो heat तो अंदर allowed नहीं है, तो तीनों अंदर की चीज़ें pressure भी volume भी और temperature भी change होने वाले हैं। तो work done, A is the area of this piston. And dx is the distance moved by this piston, this is very small distance. So, the पहला ही केस हम ले रहे हैं for adiabatic expansion, because the gas expands here adiabatically. मैं बार बार adiabatically word use कर रहा हूँ because no heat is allowed to enter or leave the system and all the three variables, thermodynamic variables changes here, pressure, volume, temperature, etc. So let us see, the gas expands adiabatically, dx is the small distance moved, A is the area of this piston, so the work done during this moving piston, that is given by force into distance, but we know that it is equal to P into A into dx. A into dx is already, you know, P into dV. This is direct relation. Now let us use the adiabatic gas equation. That is PV gamma is equal to constant, or K is the any constant here. Gamma you already know that gamma is the Cp by Cv, bilkul, ratio of the two types of the molar specific heats. And so we can find the what is the value of P, it is equal to K divided here. Now let us write here dW, it is equal to KV into dV. You can write it. Now this is the work done to change the small volume of the gas adiabatically. Now but we want to find the total work done during the changing the volume from V1 to V2. V1 पहले प्रेशर था, जैसे P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर
P1 वगैरह था मान लो, लेट P1, V1, T1 आर द इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस रेस्पेक्टिवली. सो V1 इनिशियल वॉल्यूम था, अब फाइनल जो वॉल्यूम हो गया वो V2 हो गया है. तो टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम, इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड V1 वॉज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस. And to find out the total work done, we integrate this equation. K is taken constant here, and we can write here V1 to V2 minus gamma into dV. Now, you can integrate it. जब powers होती हैं तो कैसे integrate करते हैं? Power में एक जोड़ देते हैं, फिर जो total power होती है उसे हम divide कर देते हैं. तो वही हम यहाँ adopt करते हैं, वही चीज. K और पावर माइनस गामा तो पहले से ही है, एक हमने ऐड कर दिया है, आप टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे और लिमिट्स फिर रखी देंगे V1 टू V2. नाउ ओपन दीज लिमिट्स. फर्स्ट राइट मैं K डिवाइड बाय माइनस गामा प्लस वन यहाँ ले रहा हूँ, बाहर ले लिया है. फर्स्ट राइट दी अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल, देखना ध्यान से, V2 माइनस गामा प्लस वन माइनस V1 माइनस गामा प्लस वन. अब मैं इस K को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना कि क्या कर रहा हूं. नाउ लेट अस राइट हियर, वन और वन माइनस गामा लिख सकते हैं ना, ये देखो वन माइनस गामा है. चलिए K हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, इसके साथ भी आएगा, फिर इसके साथ भी आएगा. K इंटू V2 माइनस गामा प्लस वन, एच सच लिख दिया है, माइनस K भी आएगा, K V1 माइनस गामा प्लस वन. ठीक है, एक बात आप मुझे बताइएगा कि हम सभी जानते हैं एक पॉइंट यहाँ पर, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, P1 V1 गामा, जब प्रेशर P1 V1 था तो P1 V1 गामा कांस्टेंट रहेगा. अब भाई प्रेशर चेंज हो गया है तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, P2 और V2 हो गया, ये भी गामा, ये भी कांस्टेंट है, तो उतना ही रहना है, मतलब PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं, के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट और इतना ही रहना है. समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलिए हम यहाँ के स्थान पर लिख रहे हैं ये वैल्यू, लिख देते हैं अपनी सुविधा अनुसार. वर्क डन इज इक्वल टू वन वन माइनस गामा. अब देखिए यहाँ पर आप खुद देखना, के स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ P2 V2, ये दो गामा लिख दिया इस के स्थान पर. क्यों लिखा है? क्योंकि यहां भी V2 है, इसलिए मैंने ये लिखा है. तो P2 V2 गामा इज, और फिर ये क्या लिखेंगे, ये तो जुड़ी जाती है पावर, तो मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस गामा प्लस वन माइनस इस के स्थान पर, क्योंकि यहां V1 है, तो मैं ये लिख देता हूं P1 V1 और पावर कितनी है गामा, और फिर वो है माइनस गामा प्लस वन. ध्यान से देना कैसे आ रही है. अब बताइए टोटल जो वर्क डन आपके पास आ रहा है, व्हाट विल बी दैट, वन अपॉन वन माइनस गामा, ये तो कैंसिल हो गए, बच गया है P2 V2 माइनस P1 V1. ये क्वेश्चन हो गया. अब हम एक काम और कर रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं जब इनिशियल कंडीशंस थी, तो आप सभी समझ सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू RT1, गैस इक्वेशन लगाई, और P2 V2 इज इक्वल टू RT2. जब प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, तो टेम्परेचर T1 था. अरे भाई जब प्रेशर चेंज हो गया है, वॉल्यूम चेंज हो गया है, तो टेम्परेचर भी तो चेंज होगा, तीनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा. तो P1 V1 के स्थान पर हम RT1 लिख रहे हैं, और P2 V2 के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, RT1.
T2 लिख देते हैं। चलिए देखते हैं फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। W इज इक्वल वर्क डन इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा RT2 माइनस RT1। ये देखिए P1V1 RT1 P2V2 इज इक्वल टू RT2। सो वी राइट R कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स एंड सो वी कैन राइट है दैट R इज इक्वल टू 1 माइनस गामा टू T2 माइनस T1। अच्छा नाउ यू कैन टेल मी द वैल्यू ऑफ द गामा। अब गामा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या है, व्हाट इज गामा? गामा इज द रेशियो ऑफ CP/CV एंड विच वन इज ग्रेटर हियर? तो वैल्यू ऑफ द गामा इज 1 और लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? ग्रेटर देन 1। गामा इज ग्रेटर देन 1, लगभग 1.4 1.7 के आसपास होती है, डिफरेंट टाइप की गैसेस के लिए अलग अलग होती है। खैर ग्रेटर देन 1 अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये कॉन्सेप्ट नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? 1 माइनस गामा नेगेटिव आएगा। तो क्यों ना हम पहले से ही इसमें नेगेटिव लेकर के और इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दें, R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 और नेगेटिव बाहर ले लिया हमने और उस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हो जाएगा T1 माइनस T2। और ये है वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन। R इज द गैस कॉन्स्टेंट, T1 इज द T1 वाज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस, T2 फाइनल टेम्परेचर। जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? जैसे किसी सिलेंडर में आपने गैस ले ली और वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। आपने उसी गैस को थोड़ी जगह में थी अब ज़्यादा जगह में कर दिया है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया है तो टेम्परेचर विल डिक्रीज। और आप यहाँ से स्पष्ट देख रहे हैं कि दिस वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कंसेप्ट तो कॉन्स्टेंट है सो यू कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा, उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम भी चेंज होगा। जितना ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करोगे टेम्परेचर उतना ही डिक्रीज होगा, उतना ही ये T1 माइनस T2 इंक्रीज होगा। और यू कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये कॉन्सेप्ट्स भी आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो दिस इज द फार्मूला और एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन, बट वी कैन ऑल्सो फाइंड हियर द वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक कंप्रेशन। व्हाट विल बी दैट? अगर मैं एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करता हूं, यहां पर ये देखिए सेकेंड बात कर रहे हैं फॉर एडियाबेटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स दैट द वॉल्यूम डिक्रीजिंग नाउ, इनिशियली द वॉल्यूम वॉज लार्ज, नाउ द वॉल्यूम गेट डिक्रीज, ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा। इनिशियल वॉल्यूम वॉज नाउ V2 फर्स्ट एंड नाउ इट फाइनली डिक्रीजेज एंड द फाइनल वॉल्यूम विल बी V1। सो वी हैव टू रिपीट द होल प्रोसेस, बट हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। अगर एक बार ही पेपर में पूछा जाता तो सिमिलर वर्ड यूज कर देंगे क्योंकि वही स्टेप वही चीज़ें आने वाली हैं आइसो एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए भी। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ तक यही एडियाबेटिक कंप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो वही प्रोसेस चलेगा। V2 इज द इनिशियल वॉल्यूम हियर, यहाँ तक कोई चेंज नहीं, यहाँ पर भी चेंज, यहाँ चेंज हो जाएगा। लिमिट्स विल बी टेकन हियर फ्रॉम V2 टू V1, बिल्कुल बाकी सारा कुछ वही रहेगा, V2 टू V1 हो जाएगा यहाँ पर। और ये हम चेंज करते रहेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा और यहाँ पर सब चेंज हो जाएगा सारा कुछ। तो हमारे पास जहाँ T1 है वहाँ T2 आ जाएगा और जहाँ T2 है वहाँ T1 आ जाएगा। और हमारे पास जो नेट फाइनल वर्क डन आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू R गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1। इस केस में पहले बताइए कि जब गैस का वॉल्यूम ज़्यादा था तो टेम्परेचर वहाँ कम था और आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि टेम्परेचर राइज करेगा। और यहाँ से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि दिस वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1 और इट इज दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। आपने कई बार साइकिल में
हवा भरते समय देखा होगा कि जब हम उस पंप को नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो पंप गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है वो समझ गए होंगे, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि बहुत फास्ट कर रहे हैं तो वो जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, हालांकि वो मेटल का होता है, लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो इतनी फास्ट आपने उसको कंप्रेस किया है कि वो कंप्लीट हीट वहां से बाहर ट्रांसफर नहीं हो पाई और वो टेम्परेचर उस पंप का राइज कर जाता है।